नमस्कार, आज मैं यहाँ आपके सामने श्री गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा लिखित खूनी हस्ताक्षर नामक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता हमारे मन में देशभक्ति जगाती है और इस कविता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए समर्पित है। खूनी हस्ताक्षर। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उपाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन नरवानी है। जो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी। जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके जग में, लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाए जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंदी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है? ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर छेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया। मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्त काया। आजान बाहु ऊंची करके वे बोले, रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उधर उधर, हो गई सभा में उधर उधर, सीने में दिल न समाते थे। स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष, इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है। अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, आए जो इसको हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। फिर उस रक्त के स्याही में वे अपने कलम डुबाते थे। आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपने इतिहास नया। धन्यवाद।